Hello friends, I'm Shivani and you are watching our life and style channel Next 9 Life. शादी सबकी लाइफ में इतनी मेमोरेबल मोमेंट होता है कि हर कोई उसे अपनी लाइफ टाइम गुड मेमोरीज में कैद रखना चाहता है, फिर चाहे बात नॉर्मल लोगों की हो या फिर बी टाउन के सेलेब्स की शादी की। रात सबके लिए काफी स्पेशल होती है और जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की तो स्टाइल, स्वैग और ग्लैमर होना तो नॉर्मल सी बात है। जी हाँ, आज हम आपको बी टाउन के उन स्टाइलिश डिवास के बारे में बताएंगे जिनकी न सिर्फ ब्राइडल ड्रेसेस बल्कि उनके गहने, वेडिंग वेन्यू सब कुछ रहा काफी ग्रैंड और स्पेशल। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं बॉलीवुड के कुछ रिनाउंड लग्जीरियस वेडिंग्स। जब भी हम बॉलीवुड की फेमस वेडिंग्स के बारे में सुनते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ जाती हैं। एक्ट्रेसेस की हेवी ड्रेसिंग, ज्वेलरी, उनके शादी के कार्ड, मेहंदी के समय पहने जाने वाले कपड़े, हल्दी सेरेमनी से लेकर सब कुछ बी टाउन का होता है काफी एक्सक्लूसिव। और अगर एक तरफ जहां बॉलीवुड डीवाज अपनी शादी पर लाखों खर्च करती हैं और उनके कपड़े कम कीमत के हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस ने अपनी शादी पर कितना खर्चा किया। साल 2007 में हुई ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की ग्रैंड वेडिंग तो शायद आप सभी को याद ही होगी कि कैसे अपनी शादी के दौरान शाही रानी की तरह ट्रेडिशनल येलो और गोल्डन कांजीवरम साड़ी में ऐश किसी परी से कम नहीं लग रही थी। डिजाइनर नीता ने डिजाइन की गई उनकी ये साड़ी की कीमत थी करीब 75 लाख रुपए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्यूटी क्वीन की ये साड़ी सोने के थ्रेड यानी कि सोने के तारों के साथ तैयार की गई थी और इस पर सरोज की क्रिस्टल भी लगे हुए थे। और ऐश्वर्या की ये साड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में तब तक की सबसे महंगी साड़ी में से एक थी जो उन्होंने अपनी शादी के दिन पहनी थी। इसके अलावा करीना कपूर खान और सैफ अली की शादी भी काफी यादगार थी। सैफ अली खान से शादी करने के बाद करीना कपूर की स्टाइल स्टेटमेंट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड की बेबो ने अपनी शादी पर जो ड्रेस पहनी थी वो उन्हें उनकी सासू माँ यानी कि शर्मिला टैगोर ने गिफ्ट की थी। साथ ही आपको बता दें कि करीना ने जो आउटफिट अपनी शादी के टाइम पहना था उसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए थी। करीना ने अपने क्लोज फ्रेंड मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किया हुआ मरून और बर्गेंडी लहंगा पहना था जिसको उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक डिजाइन करवाया था जिसमें सोने और बाकी एक्सपेंसिव स्टोन का हैवी वर्क हुआ था। साथ ही इसमें हैवी डायमंड से भी काम किया गया था। आपको बता दें बी टाउन के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कपल रहे विपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने अपनी वेडिंग फेरी टेल थीम पर बेस रखी थी। विपाशा बंगाली दुल्हन के रूप में काफी एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। अगर बिप्स के वेडिंग लुक की बात की जाए तो बेहतरीन कुंदन ज्वेलरी कलेक्शन से झुमका, माथापट्टी, नथ, हार जैसी अट्रैक्टिव ब्राइडल ज्वेलरी काफी स्टाइल से उन्होंने कैरी की थी। विपाशा ने अपने स्पेशल दिन पर रेड लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो किसी ट्रेडिशनल डॉल से कम नहीं लग रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी शादी की ये ड्रेस सब्यसाची फेमस डिजाइनर ने डिजाइन की थी जिसकी कीमत थी लगभग 4 लाख रुपए। और ग्रैंड वेडिंग की इस लिस्ट में अब जनीला डिसूजा और रितेश देशमुख की ड्रीम वेडिंग शामिल ना हो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्रिश्चियन महाराष्ट्रन के इस अनोखे कॉम्बिनेशन की वेडिंग में एक से बढ़कर एक एक्सपेंसिव चीजों का इस्तेमाल किया गया था। ड्रेसेस से लेकर वेन्यू तक सब कुछ इनकी शादी में था काफी अटेंशन ग्रैबिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेनेलिया ने डिजाइनर नीता के डिजाइन किया हुआ वेडिंग कलेक्शन पहना था जिस पर गोल्डन कुंदन के साथ बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइनिंग की गई थी। कलरफुल रेड स्टनिंग साड़ी में इस जेनेलिया की सजी इस साड़ी की कॉस्ट थी करीब 17 लाख रुपए। साथ ही आपको बता दें जेनेलिया की वेडिंग ड्रेस इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि लोगों की उनकी ड्रेस पर से नजरें ही नहीं हट रही थीं। तो वहीं ईशा देओल और भारत की वेडिंग
इवेंट भी काफ़ी ग्रैंड और यादगार था, जिसमें ईशा ने रेड और गोल्डन कलर की नीता की डिज़ाइन की गई साड़ी और लहंगा कैरी किया था, जिसकी कीमत थी तकरीबन 3 लाख रुपए। साथ ही इस पर जो सोने पन्ना और हीरे के ज्वेलरी के साथ जोड़ा गया था, तो वहीं बॉलीवुड की ब्यूटी स्किन क्वीन दिया मिर्जा ने भी अपनी वेडिंग लुक्स के चलते काफ़ी दिनों तक खबरों में रही थी। आपको बता दें कि दिया मिर्जा ने बिजनेसमैन साहिल संग से शादी की है। तो वहीं डांसिंग गर्ल शिल्पा ने भी अपनी शादी को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शिल्पा ने अपनी शादी पर अलग दिखने के लिए मुगल काल के डिजाइन इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी वेडिंग ड्रेस डिजाइन करवाई थी। शिल्पा की वेडिंग ड्रेस में उन्होंने गोल्ड पन्ना और हीरे की ज्वेलरी से डिजाइनिंग करवाया था। शिल्पा की वेडिंग ड्रेस की कीमत थी करीब 3 लाख रुपए। इस डीवा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसे तरुण तहलानिया ने डिजाइन किया था। और गजब की बात तो ये है कि शिल्पा की साड़ी में 8000 सर्वोस की क्रिस्टल लगे थे, जिसके चलते ये साड़ी की कीमत हो गई थी करीब 50 लाख रुपए। साथ ही आपको बता दें कि शिल्पा को उनके हस्बैंड करण ने शादी पर जो रिंग गिफ्ट की थी, उसकी कीमत थी 3 करोड़ रुपए। तो वहीं उर्मिला मातोंडकर की शादी की खबरों ने उनके फैंस को काफी सरप्राइज किया, क्योंकि ये शादी सबके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड थी। उर्मिला को अपनी शादी के दिन काफी खूबसूरती तरीके से सजाया गया था, और उर्मिला ने जो अपनी शादी में डिजाइनर आउटफिट कैरी किया था, उसकी कॉस्ट थी 4.5 लाख रुपीज, जो कि डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने तैयार किया था। रेड और ग्रीन लहंगा पहने बाकी ब्राइड्स के कलेक्शन से उर्मिला का ये लहंगा काफी डिफरेंट था। वैसे तो बॉलीवुड डीवास के अलावा टीवी टाउन के एक्ट्रेसेस की भी शादी कुछ कम ग्लैमरस नहीं होती। मुंबई के सन एंड रेड होटल में टीवी की मधुबाला उर्फ दृष्टि धामी की शादी काफी लग्जीरियस रही। इस खूबसूरत एक्ट्रेस के बोल्ड और सुंदर रंग में क्लासिक लहंगा चुना था, पोल की मोती के ज्वेलरी से जिसे डेकोरेट किया गया था, और छोटी सी और साथ ही दृष्टि ने अपने इस ब्राइडल लुक को कंप्लीट किया था बहुत ही खूबसूरत नोज रिंग के साथ, जिसे पीच मेकअप से उन्होंने फिनिश लुक दिया था। साथ ही अंकिता भार्गव ने अपने पिता के ऑन स्क्रीन दामाद यानी कि रमन भल्ला उर्फ करण पटेल से शादी की। अंकिता ने ये कंफर्म कर लिया था कि वो अपने बड़े दिन यानी कि अपनी शादी पर काफी स्टनिंग दिखेंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी शादी के दिन एक रेड लहंगे के साथ व्हाइट गोल्डन लहंगा कॉम्बो किया था, जिसमें उनका मानना था कि रेड उनके सुहाग की निशानी दिखाएगा, तो वहीं गोल्ड उनको एक स्टाइलिश और एलिगेंट और क्लासी लुक देगा। उन्होंने अपने बालों को ओपन रख कर उसमें फ्लावर से डेकोरेशन करवाई थी, साथ ही उसमें सोने की एक्सेसरीज और ज्वेलरी से डेकोरेट किया था, जिसकी वजह से उनके पास एक आइडियल ब्राइडल वाला लुक था। आपको बता दें इस दौरान इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपने माथे पर माथा पट्टी और बड़ी सी नथ भी अपने गेटअप में शामिल की थी। तो वहीं अनीता की शादी ट्रेडिशनल का मिक्सचर थी। जी हाँ, हम उन्हीं अनीता की बात कर रहे हैं जिनको आप टीवी टाउन में शगुन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो पंजाबी हैं और उनके पति एक आंध्र प्रदेश से रेडी कास्ट हैं। तो उनकी शादी में दोनों तरह के कल्चर और ट्रेडिशनल शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से शादी भी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनीता ने व्हाइट और गोल्डन कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसको उन्होंने गजरा के साथ फिनिश किया था। साथ ही उन्होंने ज्वेलरी की अगर बात करें तो अनीता की ज्वेलरी थी प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल, जिसमें टेंपल ज्वेलरी से तैयार की गई थी। और साथ ही बात करें अगर टीवी एक्ट्रेस सरगुन मेहता और रवि दुबे की शादी की, तो उन्होंने प्रॉपर बैंड बाजा बारात यानी कि प्रॉपर ट्रेडिशनल पूरे रिचुअल्स को निभाते हुए अपनी शादी को अंजाम दिया था। वैसे तो सरगुन मेहता काफ़ी खूबसूरत ऑलरेडी लगती हैं, चाहे वो नेचुरल लुक में हो या फिर किसी अट्रैक्टिव लुक में, लेकिन अपनी शादी पर उनका लुक वाकई देखने लायक था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरगुन ने अपनी शादी पर जो खूबसूरत लहंगा पहना था, उसकी टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की थी।
साथ ही अगर हम बात करें उनके मेकअप की, तो हैवी मेकअप के साथ गोल्डन ज्वेलरी में सरगुन मेहता लग रही थी काफी खूबसूरत स्पेसिफिक पंजाबी स्टाइल की ब्राइड। वेलवेट ब्लाउज में सरगुन मेहता का मरून कलर और गोल्डन कलर का लहंगा इतना खूबसूरत था कि देखने वाले उसकी तारीफ बार बार कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो सरगुन मेहता ने अपनी ज्वेलरी को काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी तरीके से क्लब किया था। तो वहीं अगर टीवी एक्ट्रेस आमना शरीफ की शादी की बात की जाए तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मेकअप प्रोड्यूसर रहे उनके बॉयफ्रेंड अमित कपूर के साथ एक वंडरफुल रेड लहंगे में उन्होंने अपनी शादी को अंजाम दिया। उनके इस कपड़े पर गोल्डन वर्क किया गया था जिसमें दुपट्टा पीच कलर का था और ये पूरा काफी सॉफ्ट और एलिगेंट टेक्सचर में था। और अगर उनके ज्वेलरी कलेक्शन की बात की जाए तो पोल के कुंदन और मोती से उनका पूरा ब्राइडल ज्वेलरी सेलेक्टेड था। उधर ब्राइट रेड लिपस्टिक के साथ और बर्गेंडी एक्सेसरीज के साथ उनका ये ब्राइडल लुक कंप्लीट किया गया। इंडस्ट्री की मोस्ट स्टाइलिश इंडियन सेलिब्रिटी ब्राइड्स जिनके लुक्स ने उनकी शादी के बाद भी काफी लाइमलाइट और सुर्खियां बटोरी थी। वेल आफ्टर ऑल बी टाउन के इतने बड़े स्टार्स हैं तो इनकी शादी की हर एक चीज होनी थी काफी ग्रैंड, ये तो जायज है। अगर आप हमारा आज का ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफस्टाइल के बारे में जानना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।